द न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियो एंड डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियो फर्स्ट द डेफिनेशन न्यूक्लियो इज बेसिकली ऑल द सोलुबल पोर्शन आर मालिक्यूल आर प्रजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ न्यूक्लियर एनवेल्व न्यूक्लियर एनवेल्व के अंदर जो कुछ भी सोलबल पोर्शन मौजूद है वो बेसिकली न्यूक्लियो प्लाज्मा के लगेगा न्यूक्लियरवेल्व के तो ये वैसे ही है जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जो सॉल्युबल पोर्शन है उसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर निविदिन न्यूक्लियस जो सॉल्युबल पोर्शन है दैट इज एक्चुअली द न्यूक्ो प्लाज्म अगर आप तस्वर करें कि न्यूक्लियो प्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कंपोजिशन की अगर हम बात करें पहले हमें यह देखना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं न्यूक्लियस के अंदर डी है डी को वर्क करने के लिए जब भी डी एन होना होगा न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी एडी न्यूक्लियो प्लाज्म है न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे इससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एटीपी टी भी न्यूक्लियो के अंदर मौजूद होगी आरएनए एन मालिक्यूल भी सेंथिसाइज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो आर को सेंथिसाइज करने के लिए जो राइबो न्यूक्टाइड्स हैं वो भी डी एन ए के उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे सिमिलरली जो एनजाम्स हैं डिफरेंट एनजाइम जो न्यूक्लियस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे मौजूद होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इसी तरह से जब डी एन ए ने पैक होना तो डी एन ए को पैक होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए तो ये हिस्टोन प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म से मूव करके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आ चुकी होती हैं तो इस ऑल दिस स ये सारी से मिलकर हम इसको कहते हैं दे आर एक्चुअली ग्राउंड सब्सटांसिस ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो एक स्टोर की हुई चीज़ें हैं जब जरूरत होगी वहाँ से इस्तेमाल कर ली जाएंगी उनका आगे यूज़ कर लिया जाएगा सो वाट आर द एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्रो अब न्यूक्लियो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होंगी चूंकि जो मीडियम है न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियो है इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो बेसिकली कहाँ हो रही हैं न्यूक्लियो के अंदर हो रही हैं जैसे डीएनए एन होती है तो रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए एन एज टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियोप्लाज्म, सिमिलरली आरएनए जब मैचोरेशन होती है तो उसके बाद वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लाज्म के अंदर से ही मूव करके जाए वो साइटोप्लाज्म की तरफ आना है डी एन ट्रांस जो रेप्लीकेशन के साथ साथ इसकी जो है ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान आर बनता है और ये प्रोसेस भी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर के अंदर होगा इस प्रोसेसिंग आम तौर पर जब आर बनता है तो एक रॉ फॉर्म में होता है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो प्रोटेक्टिव फॉर्म में भी नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर बेसिकली जो आर एन अभी नया नया बना है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके आगे कैप लगा दी जाती है पीछे उसका टेल लगा दी जाती है तो ये सारे जो काम हैं उनका हम क्या कहते हैं दे आर दियारदी आरएनए प्रोसेसिंग और आरएनए प्रोसेसिंग का काम भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होगा